काठमांडू का आनंद पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम का हुआ आयोजन, जिसमें मुख्य अतिथि कोसली से भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव पहुंचे। रेवाड़ी के ऐतिहासिक नाईवाली चौक स्थित हरियाणा टूरिज्म कॉम्प्लेक्स में काठमांडू का आनंद पुस्तक का विमोचन किया गया। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने शिरकत की। कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा, नेपाल एक हिंदू देश है जिसमें हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। वहीं उन्होंने कहा कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है और हिंदी से प्रभावित होकर ही लेखक त्रिलोक फतेहपुरी द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया। उन्होंने कहा कि भारत में भी हिंदी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ अंग्रेजी में भी सिखाया और पढ़ाया जाता है। काठमांडू का आनंद पुस्तक के लेखक त्रिलोक फतेहपुरी ने बताया कि जब वे काठमांडू यात्रा पर गए तो उन्होंने हर जगह हिंदी भाषा का प्रयोग होते हुए देखा। इसी बात से प्रभावित होकर उन्होंने काठमांडू का आनंद नामक पुस्तक लिखी और बीते दिन इस पुस्तक का विमोचन किया गया। इस विमोचन कार्यक्रम में नेपाल के सांसद ने भी की शिरकत। मुझे बड़ी खुशी है कि आज मेरी पुस्तक काठमांडू का आनंद का विमोचन किया गया। माननीय श्री लक्ष्मण सिंह यादव विधायक हल्का कोसली और मेरे गुरुजी श्री हलचल हरियाणवी हास्य कवि रिटायर्ड डीओ श्री धर्मवीर बलडोदिया जी और भोपाल से पधारे निर्दलीय प्रकाशन के संपादक कैलाश आदमी जी और जयपुर से पधारे सरिता गर्ग जी, उनके हाथों से मेरी पुस्तक काठमांडू का आनंद का आज विमोचन किया गया। मैंने अप्रैल के महीने में काठमांडू की यात्रा की थी और जिन जिन स्थानों का मैंने भ्रमण किया और जिन जिन स्थानों पर मुझे सम्मानित किया गया, मैंने उन सभी का इस पुस्तक में वर्णन किया है। काठमांडू की यात्रा से मैं खुद को गौरवान्वित महसूस करता हूं और जो भी रोचक संस्मरण है वो मेरी इस पुस्तक में काठमांडू का आनंद में संकलित है। इस पुस्तक के द्वारा ये संदेश दिया गया कि भारत नेपाल जो मैत्री है वो कायम रहे और साहित्य के क्षेत्र में या आपस में मैत्री के संबंध में आवागमन इसी प्रकार जारी रहे, क्योंकि नेपाल एक ऐसा हिंदू देश है। मैंने वहाँ देखा कि वहाँ मोटर गाड़ियों के नंबर भी हिंदी में हैं, वहाँ हर मार्केट के अंदर बाजार में जो साइन बोर्ड है वो सब हिंदी में लिखे गए हैं। तो मुझे बड़ा गर्व हुआ कि ये लोग कितने हिंदी को सम्मान देते हैं। हमारे यहाँ भी बहुत सारे आपको देखे होंगे साइन बोर्ड वगैरह अंग्रेजी मिल जाएंगे, लेकिन मैंने वहाँ काठमांडू में सारे साइन बोर्ड जो हैं जो भी मार्केट में देखे सब हिंदी में देखे, गाड़ियों के नंबर भी हिंदी में देखे। हमें बड़ा गर्व हुआ कि वो लोग कितना हमारी हिंदी को सम्मान देते हैं, हालांकि उनकी मूल भाषा नेपाली है। तो दोनों देशों के मैत्री संबंध कायम रहे, मित्रता कायम रहे, आपसी प्रेम सद्भाव आपसी आवागमन ये इसी प्रकार जारी रहे और भारत नेपाल साहित्य महोत्सव के द्वारा हम वहाँ एक नई मिसाल कायम करके आए थे और मैंने जो मेरी जो रचना थी मैंने वहाँ ये जो प्रस्तुत की थी कि भारत और नेपाल की जो यारी है वो सदियों सदियों से बनी हुई है, आगे भी इसी प्रकार जारी रहे और इसी प्रकार इस उद्देश्य को लेकर मैंने यात्रा की थी। मैं कवि त्रिलोक फतेहपुरी, ये निर्दलीय प्रकाशन भोपाल द्वारा प्रकाशित जो है एक पत्रिका है। मुझे जुलाई के महीने में निर्दलीय प्रकाशन ने राष्ट्रीय शिक्षा गौरव सम्मान से सम्मानित किया था और उसी संदर्भ में उन्होंने ये कहा था कि हम आप पर एक साहित्यिक पत्रिका जो है जारी करना चाहते हैं। तो उन्होंने अक्टूबर मास का जो अंक है इसमें जो है मेरी रचनाएं हैं, मेरी कथाएं हैं, मेरी कहानियां हैं, मेरी कविताएं हैं, बाल कविताएं भी हैं, देशभक्ति रचनाएं भी हैं, ये मेरे पर ही केंद्रित रही। कैलाश आदमी और सरिता गर्ग इसके जो संपादक हैं संरक्षक हैं उनका मुझे आशीर्वाद मिला और उन्होंने ये एक साहित्यिक पत्रिका निर्दलीय जो है प्रकाशित करने का निर्णय लिया। मैं उन सभी का हृदय से आभार करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिलोक जी का पुस्तक का विमोचन हुआ है। त्रिलोक जी हमारे बहुत बड़े कवि हैं जो हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत बड़े रचनाकार रहे हैं। उसी की कड़ी में आज यहाँ क्षेत्रीय कवि हैं जो समय समय पे अपनी कविताओं के माध्यम से क्षेत्र की समस्याओं को लेके, क्षेत्र के समस्याओं के निवारण को लेके और आज के हालात पे निरंतर लोगों का मनोरंजन ही नहीं करते बल्कि संदेश देने का काम यहाँ के अनेक कवि करते हैं। उसी में मैं थोड़ी देर बैठा तो मैंने लगा वाकई में ही ये कवि वो कह जाता है जो दूसरे लोग नहीं कह पाते और बेधड़क आवाज़ में और अपना नॉलेज के अनुसार
वो समाज को दिशा दे जाते हैं। तौर पे देखिए हिंदी का हमारा बहुत बड़ा महत्व है और हिंदी एकेडमी अपना काम निरंतर कर रही है किसी न किसी रास्ते से। और नेपाल में तो आपको पता है वैसे भी हिंदू धर्म के अनुयायी ज़्यादा हैं, वहाँ तो ऑलरेडी पहले से हिंदी है, तो कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। हिंदी तो अब मैं UAE में गया था, मेरे ख्याल में वहाँ 90% हिंदी लोग बोलते हैं, तो हिंदी का प्रचलन जो है विदेशों में ज़्यादा है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन कई बार लोग कोशिश करते हैं कि मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हो जाऊँ इसलिए दूसरी भाषाओं का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जबकि अपनी मातृभूमि से प्यार करना चाहिए और मातृभूमि ही अपने बोलचाल में, अपने व्यवहार में, अपने बिजनेस में उसको डालना चाहिए, ऐसे मेरा कहना है।